गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बैद केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाई द एटॉमिसिटी ऑफ नोबल गैसेस इज वन? नोबल गैसेस होती हैं उनकी एटॉमिसिटी वन क्यों होती है? बिकॉज ड्यू टू हाई स्टेबल कॉन्फिगरेशन एंड ऑक्टेट रूल, फॉलो ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम इज ऑल्सो फॉलो डुप्लेट रूल। हीलियम के पास ही मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वन फर्स्ट शेल में वो दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, यानी स्टेबल होती है वो भी, और बाकी उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। उनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस द नोबल गैस एटम डू नॉट कम्बाइन विद ईच अदर टू फॉर्म बॉन्ड। वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं इस वजह से जो है वो मोनो एटॉमिक गैस में एग्जिस्ट करते हैं। सो नोबल गैसेस जो हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं, उनकी जो एटॉमिसिटी होती है वन होती है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको जानते रहिएगा, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। आपका कुछ ना कुछ डेली मैं आपको शॉर्ट वीडियोज़ या बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता चलूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।